हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैदा पपड़ी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के रूप में या दही पपड़ी चाट बनाकर भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए मैदा की क्रिस्पी पपड़ी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैदा की क्रिस्पी पपड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ली है। मैदा को मैंने पहले ही छलनी से छान लिया है। मैदा लेने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं इसे अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी पपड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लूँगी। हमें डो को ज़्यादा गीला नहीं करना है, हम इसे मीडियम टाइट ही गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो हमारा एकदम तैयार है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हम इसे एक बार और गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसकी बड़ी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं इस आटे से 3 से 4 बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर आटे की बड़ी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन बॉल्स को हाथों की हेल्प से चिकना कर लेंगे। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे बेलन की हेल्प से वोल्ड करेंगे। तो मैं इसे बेल लूंगी। हमें इसे बड़े साइज का बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था, इसलिए ये आसानी से रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा बेल लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से बेल लिया है। ये ना एकदम पतला है ना एकदम मोटा, हमें इसी तरह से इसे बेल लेना है। अब हम इसमें से पपड़ियाँ कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्लास की हेल्प से पपड़ी कट कर रही हूँ। आप चाहें तो कुकीज कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 पपड़ियाँ कट चुकी हैं। अब हम इसमें फोक की हेल्प से छेद कर देंगे, जिससे कि पपड़ी हमारी फूले नहीं। तो यहाँ पर हमारी पपड़ियाँ बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका शेप एकदम एक जैसा आया है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम सारी पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरी बॉल्स भी बेल ली है, इसे भी हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हम उसी तरह से सेम प्रोसेस से इससे भी पपड़ियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दूसरे बैच की पपड़ियाँ भी बनकर एकदम तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी
पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं इनको डीप फ्राई करने की प्रोसेस में। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके गर्म तेल में पपड़ियाँ डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 पपड़ियाँ कढ़ाई में डाल दी है। पपड़ी जैसे ही हमारी एक तरफ से फ्राई हो जाएगी, हम इसे पलट देंगे। हमें पपड़ियों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पपड़ियों को अलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। पपड़ियाँ जैसे ही आपकी फ्राई हो जाएंगी, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पपड़ियों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से सारी पपड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे, गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही पपड़ियाँ आपकी क्रिस्पी बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर दूसरे बैच की पपड़ियाँ भी कढ़ाई में डाल दी हैं। इन्हें भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे। तो इन्हें भी हम अलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे बैच की पपड़ियाँ भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी मैदा पपड़ी को फ्राई कर लिया है। मैदा पपड़ी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप भी मेरे सिंपल तरीके से मैदा पपड़ी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।